हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए गाइस, आज बात करेंगे एमटीएस की सैलरी के ऊपर कि 8th सीपीसी के बाद एक एमटीएस वाले को कितनी सैलरी मिलेगी। आपको पता है कि 7th पे कमीशन अब जो है अपने लास्ट पे चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 2026 के महीने में आपको जो है 8th सीपीसी मतलब 8th सेंट्रल पे कमीशन जो है वो आपको लागू हो जाएगा। तो देखते हैं कितनी सैलरी जो है एक एमटीएस की जो है वो बन सकती है। तो इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमटीएस जो है अभी अगर बात करें रिसेंटली 8500 जो है एमटीएस जो है वो लगाए गए हैं 2-3 साल पहले, तो उनकी जो बेसिक सैलरी थी वो 14000 थी। तो उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर 8th सीपीसी लगता है तो एटलीस्ट उनको कितनी सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और अगर कोई भी एमटीएस जो है आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वहाँ पे हम डेली क्विज़ प्रैक्टिस करते हैं, जो क्विज़ आपकी जो है प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें, आपको काफ़ी बेनिफिट जो है वहाँ से मिलेगा। तो चलिए गाइस, अब बात करेंगे कि एमटीएस की सैलरी जो है 8th सीपीसी के बाद जो है वो किस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे, ये है एमटीएस सैलरी आफ्टर 8th सीपीसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेसिक सैलरी जो है 14000 रुपया जो है अभी तक जो है वो दी जा रही है। तो यहाँ पे अगर फिटमैन फैक्टर की 7th पे कमीशन के हिसाब से बात करें तो 2.57 का फिटमैन फैक्टर मिला था। तो अगर इतना ही इस बार भी मिलता है जितना पिछली बार मिला था तो बेसिक सैलरी जो है एक 4th क्लास की 35980 रुपये हो जाएगी, जो अभी 14000 रुपये ले रहे हैं। और थोड़े से अलाउंस डाल के 40K के अराउंड जो है सैलरी जो है ड्रा करेगा एक एमटीएस जो अभी 14000 पे लगा हुआ है पीछे, उसकी जो है टोटल सैलरी 40 ग्रॉस सैलरी 40K के अराउंड बनेगी। और अगर 2 का फिटमैन फैक्टर मिलता है तो उसकी बेसिक सैलरी 28000 हो जाएगी और टोटल जो है 32-33 के अराउंड जो है उसकी फुल सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा बात करें अगर 18000 बेसिक पे जो है अगर अपॉइंट होता है कोई कैंडिडेट, तो 18000 का फिटमैन कुछ जो है वो लेवल 1 पे लगे हुए हैं इससे पहले, तो अगर उस हिसाब से मिलता है तो 2.57 का फिटमैन फैक्टर मिलेगा और बेसिक सैलरी 46260 रुपये हो जाएगी। और 2 का फिटमैन फैक्टर मिलता है तो 36000 रुपया बेसिक सैलरी जो है उसकी होगी। तो आई होप आपको जो है चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही होंगी। तो इस तरह से जो है उसकी बेसिक सैलरी होगी। अगर 2.57 का फिटमैन फैक्टर 18000 वाले को मिलेगा तो 46260 बेसिक होगी और उसके बाद अलाउंस लगा के 50000 के अराउंड जो है उसकी सैलरी जो है उस वक्त बनेगी। और जो 18000 अगर 2 का फिटमैन फैक्टर मिलता है तो 36000 बेसिक होगी और उसके बाद जो है आपकी 40K के अराउंड जो है सैलरी देखने को मिलेगी। तो बात हम करेंगे जो अभी 8500 जो है 8500 एमटीएस लगाए गए हैं जो 14000 बेसिक पे थे, अगर उनकी मैं बात करूं तो उनको अगर 2.57 का फिटमैन फैक्टर मिलता है तो फाइनली उनकी बेसिक सैलरी 35980 होगी और कुछ बाकी जो थोड़ा बहुत मिलेगा उसकी वजह से सैलरी जो है एक 4th क्लास की 40K के अराउंड जाने के चांसेस फुल हैं 8th सीपीसी के बाद। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। बाकी इंक्रीमेंट भी आपको थोड़ी बहुत लगी होगी, तो जितनी इंक्रीमेंट लगी होगी उसी हिसाब से आपकी जो है बेसिक जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये है एमटीएस का पूरा विश्लेषण की इतनी सैलरी आपकी जो है एटलीस्ट इंक्रीज़ हो सकती है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।